दोस्तों फ्लिपकार्ट की तरफ से एक ऑफर यहां पर चल रहा है। अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सब डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को जब आप ओपन करें सिंपली अकाउंट के ऑप्शन पर नीचे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो क्रेडिट ऑप्शन में भी आप जाके ऑप्शन पर क्लिक करके आ सकते हो। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसमें ऑफर्स और बेनिफिट्स की अगर बात, अब इस कार्ड का यूज आप मिंत्रा में कर सकते हो जिसमें आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिल जाएगा। अब स्विगी टाटा स्काई क्लियर टैप में भी इसका आप यूज कर सकते हो जिसमें आपको फ्लैट 4% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलने वाला है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है विद अ मंथली इनकम 15,000 से आपकी ज़्यादा होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड में आप 30,000 से ज़्यादा इनकम आपकी होनी चाहिए। नीचे आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका फुल नेम लिखना है जो पैन कार्ड में है, उसके बाद यहाँ पर फादर का फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर मदर का नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए एजुकेशन में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिएगा। उसके बाद सिंपली आपको कंफर्म करके नेक्स्ट पे क्लिक। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म हमने पर्सनल डिटेल डाल दी, आपको डेट ऑफ बर्थ वही डालना है जो आपके पैन कार्ड में। सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपको सैलरी डे या फिर आप बिजनेस करते हो तो दोनों में से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना है। जॉब करते हो तो सिलेक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, अगर बिजनेस करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर आप क्लिक कर दीजिएगा। एक साल में आप कितना कमा लेते हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेम ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का नेम, नेचर ऑफ बिजनेस, ऑनरशिप टाइप, तो यहाँ पर आप कुछ भी कर दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन की ये मोबाइल नंबर आपका लिंक हो जाएगा इसमें। उसके बाद इंटर करंट रेसिडेंट एड्रेस, आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। अब कहाँ से आप नेक्स्ट करते हो, यहाँ पर एडिशनल फीचर में आपको दोनों पर टिक कर देना है। उसके बाद फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब टर्म्स एंड कंडीशन सिंपली आप पढ़ के इस पर टिक करके एक्सपेक्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर इंटर करके ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो आप, थोड़ा सा वेट हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपका जो डाटा है, डिटेल्स है, वो यहाँ पर सबमिट हो रही है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेना है 30 सेकंड्स का। आपकी एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो चुकी है, आपके सामने वीडियो KYC का ऑप्शन आ रहा है। आप सिंपली यहां पर प्रोसीड विद वीडियो KYC का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको एक वाइट पेपर लेना है, पैन कार्ड आधार कार्ड ओरिजिनल लेके आपको जो है असिस्टेंट से बात करना है, वो आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाने की बोलेंगे तो आपको दिखा देना है। उसके बाद वीडियो KYC कंप्लीट होने के बाद 8-10 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड भेज दिया जाएगा। अब देखिए आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है, उस पर एक OTP आएगा। उसके बाद वीडियो KYC के पेज पे आप आ जाओगे और यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रोसेस ये दिखाता है। आपको 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा, जो एजेंट अवेलेबल रहता है उसके सामने आपका जो है यहाँ पर KYC कर लिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर परमिशन अलाउ करना है। उसके बाद देखिए कुछ असिस्टेंट आपके पास आएगा तो आपका नेम, मोबाइल नंबर और आपका पैन कार्ड का फोटो कैप्चर करेंगे। बस इतना करने के बाद आपकी सक्सेसफुली KYC हो जाएगी और आपका जो है यहाँ पर SMS भी आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ भी आ जाएगा, थैंक यू फॉर चूसिंग एक्सिस बैंक। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आप सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर करना इस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं, तब तक ले जाएंगे।